Another vlog. हो गया चालू साल. दिल बरा है दिल. One big, bro, bro, bro. Thank you. असंभव, असंभव. Hello. देखा जो तुझे ऐसी मशीन. Taiwan, wow. Guys, मेरी इंग्लिश. हाथ रख दे तू दिल पे. Hey guys, welcome back to my another vlog. हो गया चालू साल. और अभी अपने रूम से चेकआउट करके सीधा निकल चुके हैं, जा रहे हैं. पहले तो फिलहाल जाएंगे कहाँ पे, मेट्रो स्टेशन. मेट्रो से सीधा इंडिया गेट चल रहे हैं, क्योंकि इंडिया गेट ही नहीं गए हैं अपन और हर जगह घूम के आ चुके हैं. इंडिया गेट पे जो मज़ा है, जो क्रेज़ है, वो शायद दिल्ली में कहीं पर भी नहीं मिलता ऐसा है. तो पहले तो इंडिया गेट ही चलते हैं सारे दोस्तों के साथ. बैग वैग टांग के रखा है अपन ने, क्योंकि वजन बहुत ज़्यादा हो रखा है. एक तो पहाड़गंज में भाई शॉप्स तो बहुत ज़्यादा हैं सस्ते सस्ते माल में. गाइस मैं जा रहा हूँ जन्नत में, जन्नत में जा रहा हूँ, जन्नत में. आज जन्नत में घूमने का मन कर रहा है. अभी आ गया मैं सीबी पार्क में. भाई सीबी पार्क ही घूमेंगे आज. तो सीबी पार्क में ना बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी होती है, और इतनी कॉमेडी कोई कर नहीं पाएगा मेरे अलावा. सच्ची में? हाँ, बहुत ज़्यादा कॉमेडी होती है, और मैं जितना ज़्यादा फेमस होता जा रहा हूँ ना, उतना ज़्यादा पिट रहा हूँ यार. इतना मजाक मेरे को अच्छा नहीं लगता यार. मैं तो किस्मत के भरोसे भी नहीं हूँ क्या कर रहा हूँ यार. जिस जगह पे जा रहा हूँ वो जगह पूरी खाली खाली होती जा रही है, पूरी जगह ही खाली है. अब सीपी में आया, सीपी पार्क भी खाली हो रखा है, कोई भी नहीं है. और धूप नहीं है इतनी ज्यादा, नॉर्मल धूप हो रखी है. अरे वाह, अब आगे गाइस. अभी इंडिया गेट, क्योंकि बहुत ज्यादा मूड खराब हो रहा था गर्मी की वजह से. 5 बज रहे हैं, इंडिया गेट घूम घाम के फिर अपनी ट्रेन से सीधा निकल लेंगे अपन अपने घर की तरफ ग्वालियर. इंडिया गेट पे तो ब्लॉग बनाने आए थे, लेकिन अब जामन तोड़ने का मौका मिल गया. ये बच्चा लोग इसी में मजा कर रहा है. क्या कर रहा है तू? लूटने का प्रयास. भाई पूरी चेतावनी है अधिकतम सीमा के. मारो मारो मारो. 20 रुपए की बोतल लिया पानी की. ग्रीन बोल्ट भाई, अब जाने दी वे ऊपर घूम. ओ ले ले, ओए ओए पूरी बाबा. मेरे को पॉइंट पकड़ा है, तुम जामुन खा रहे हो. ले तू भी खा ले ले जामुन. काली प्योर काली. अड़ी 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 आगे से अड़ी. मैं आ चुका हूँ गेट में, गेट इंडिया गेट. पावर वायरिंग गार्ड, पावर वायरिंग गार्ड को प्रेजेंट करते हुए बिग बॉस के चाहने वाले हमारे पुनीत सुपरस्टार के सुपर भाई. कैसे हो मेरे भाई? बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया भाई. ये भाई कुछ सुबह से बकबक कर रहे जा रहे हैं, क्या कह रहा भाई? कुछ नहीं यार, पता नहीं यार कैसे होगा यार मेरा. इसकी तगड़ी दो दी. क्या होगा तुम्हारा? पता नहीं यार, कुछ भी ना होगा भाई का. भाई कुछ नहीं है, दुबई से आए भाई. अपने घर वालों के टुकड़े पे पलते रहो और चलते रहो. यही सलाह मेरे को चाहिए जिंदगी में, और कुछ ना चाहिए बस. तो गाइस ये देखिए, ये है इंडिया गेट. यहाँ पे काफी ज्यादा लोग मिलेंगे, और ये है एक ऐसा स्टार जो कभी नहीं देखा होगा. काफी लोग इससे मिलने भी आते हैं, जैसे ये मिल रहे हैं, और भैया कैमरे से फोटो भी खिंचवाते हैं. एक वीडियो नहीं बना पाओगे, नहीं बना पाओगे, जनता मना करती है. आगे चलिए आप, थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बॉक तो बाद में होगी. आखिर ये वाले व्यक्ति अपनी बात नहीं मानते, और ये नहीं हारे, इनने वीडियो बना ली. आखिर इनके फोटो भी खिंच रहे थे वहां पर इंडिया गेट के सामने. हम उधर ही देखे हैं. तो देखिए ऐसे लोग हैं जो रोज इनके साथ फोटो खिंचवाते हैं. अब और इनकी जनता में मांग बढ़ती जा रही है. आखिर ये है कौन जो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है? मैं तो वायरल नहीं हो सकता, तू वायरल हो रहा है. इंडिया गेट पे यही ना देख. नींदों में भूल गए तो क्या देगा, मजा ही नहीं आया फिर. जस्ट गेट ये देखो, पब्लिक कितनी आ रखी है, बहुत ज्यादा. जितने ज्यादा तुम चलोगे उतनी ज्यादा तुम्हें पब्लिक मिलेगी, क्योंकि पब्लिक तुम्हें मिलेगी शाम को 4 बजे के बाद. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उससे पहले तुम्हें पब्लिक मिलने से रही. यहाँ पे इनके काफी सारे फैंस आ चुके हैं,
चाहने वाले जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा फैंस हैं। इंडिया में फैंस की कमी नहीं है किसी के लिए? इंडिया में फैंस की कमी नहीं है, चाहे सेलिब्रिटीज हो चाहे ना हो, बस गोरा होना चाहिए। गाइस हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है भाई। और उसको और दिखाते हैं किसको, और है उसके हस्बैंड को भाई, एक बार हस्बैंड देखिए उसका क्या हालत कर रखी है। से हाय ब्रो, ए ऑटोग्राफ, हेलो ब्रो, फोन आ ला यू। ओके से ए यार, फ्रॉम ब्रो चाचा, ए स्पीक लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट। हां थोड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कोई ना। हमारे साथ आ रहे हैं साहब जी, मेरा नंबर लगा अभी अभी कुछ ही देर में मैं इनके साथ फोटो खिंचवाऊंगा। लोग अभी मेरा नंबर लगा है, मेरा अभी नंबर लगा हुआ है। से हाय मैडम, ए वन सेकंड मैडम, वन सेकंड माय सर, माय सर, से हाय मैडम, माय सर, माय सर। आप तो खड़े हो गए हो? ओके डन डन ब्रो, डन डन डन। भगवान तेरी लीला ब्रह्म पार है। मैडम तो वन किस थी मैडम, बिग फैन यू, बिग फैन, ओके वन फोटो। Okay, he is husband. He husband, husband. No husband. No husband. Oh, oh my God. No husband, boyfriend. Okay, okay. One pic. Bro. Okay. Thank you. Asambhav. Asambhav. Thank you. We go. Yeah. Okay. Dil garden garden ho gaya. चलो गाइस, ओ माय गॉड, इस चीज को देखने के लिए आया मैं इतनी दूर से, 600 किलोमीटर से, क्या बात है भाई। मुझे पता हो तो मैं तो डेली आऊं देखने के लिए, वाह। अबे इंडिया गेट तो जरूर देखता हूं मैं। हेलो, देखा जो तुझे ऐसी मशीन लगाऊंगा। बहुत ज्यादा वीक है तो मैं तो बोल ही नहीं पा रहा, ये भाई मदद कर रहा है मेरी फुल। अबे काले कलुंडी तू काई को आ गया, तेरे को तो रोक ले रहा हूं मैं। काफी ज्यादा भीड़ हो रखी है, बहुत ज्यादा। ये देखो इसका तो नाचने का मन भी करने लगा, नाच रहा है तू, नाचियो एक बार, नाचियो। ओ वाह वाह वाह, दिल्ली का गेट इंडिया गेट, ये मेरे पीछे है, काफी ज्यादा सुंदर है। सुंदर सुशील एकदम बेपरवाह भाई, एक से एक लापरवाह नहीं, एक से एक भाई खतरनाक छोरियां, एक ऐसा, अरे मजा ही आ गया देख के, ऐसा आदर्श के जो आपने आज तक नहीं देखा। मैं जा रहा हूँ इसके अंदर, सुना है इसके अंदर जाते हैं तो छोटे हो जाते हैं, सही बात है या नहीं? अपन जाके ट्राई करते हैं, वही मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, चलो चलते हैं। आखिर ऐसा क्यों है, मेरे को अंदर जाने ही नहीं दिया? क्या मेरे कपड़े गलत थे या मेरा पहरावा बेकार? आखिर क्यों कर रहे थे मेरे साथ ऐसा? आइए जानने के लिए बने रहिए टाइगर कार ब्लॉग्स पे। ऐसा क्या है इस चीज में जो जैसे देखने के लिए लोग बहुत ज्यादा पागल होते हैं? सालों से खड़ा है और लंबा, और सालों से खड़ा है इतना लंबा भी।
हाथ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा मेरा? आज मैं बताऊंगा गर्मी कितनी है, सामने वाले की शकल पूरी काली हो चुकी है। ओ माय गॉड, क्या बात है। सही पकड़े भाई। भाई मेरे को आज पता चला, उससे पूछो जब 12 महीने से खड़ा है। अब इंडिया गेट से वापस जा रहा हूँ, ज्यादा देर तक और रुका तो लाखों लड़कियां मर के गिरा जाएंगी। एक बात बताऊं गाइस, अपना इंडिया में क्रेज, इंडियन लड़के हैं ना वो हर लड़की को प्यार करना जानते हैं, चाहे वो विदेशी हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, रशियन हो, मजा ले कोई विदेशी लड़की इंडिया लड़के से प्यार करे। भाई अपने लड़कों का सिस्टम खराब है भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता। ऐसा बोलूंगा मैं, ऐसा ही करना चाहिए। वो इनकी चॉइस है अपन को प्यार करे या ना करे, अपना हक बनता है। अपन संस्कारी लोग हैं, हर लड़की से प्यार करो, क्योंकि यार मैन पावर जरूरी है। मैन पावर जरूरी है, नॉट वुमन पावर। कहीं भी किसी भी शहर में चले जाओ, कहीं भी जगह चले जाओ, अंग्रेज मिलेंगे, लेकिन उनका बॉयफ्रेंड उनकी तरफ से आएगा, यार हम क्या फालतू हैं यार, हमारा भी घर परिवार है, हमें भी कुछ चाहिए यार। हम लड़कियों की इज्जत करना जानते हैं। सब लोगों की उम्मीद होती है किसी से कुछ जुड़ा है, किसी से कुछ जुड़ा है, उसी प्रकार यार हमारे भी कुछ शौक है यार, हमें भी मिलना है यार। अब मिलने से यार कुछ हो गई यार, कुछ होगा उससे। अब इंडिया गेट से वापस जा रहा हूँ, ज्यादा देर तक और रुका तो लाखों लड़कियां मर के गिरा जाएंगी। कर दे हाथ रख दे तू दिल पे। क्या हो गया साले, चले ओए बकचोदी मत कर। मैं इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि अब जा रहा हूँ घर दिल्ली से वापस, और फिर बाद में ब्लॉग बनाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, अभी मेट्रो में हूँ, तो इसलिए बाय बाय टिकट। ये भी तीन दोस्त हैं, घर निकलते सीधे, क्योंकि हमारे पास है सिर्फ 3 मिनट और यहाँ से हमें तय करनी है दूरी 400 मीटर की, तो भागना है जितना हो सकेगा उतना। ठीक है गाइस, बाय बाय टाटा, सी यू, गेट खुल गया हमारा।